अनिल जी, जो शेयर मुझे पसंद है वो सीमेंट सेक्टर में से है। हमको रैमको सीमेंट्स काफी पसंद है। कंपनी ने दूसरे तिमाही के नतीजे काफी अच्छे दिखाए और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी ट्रेंड सीमेंट के प्राइसेस में दिख रही है, डेफिनेटली इसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिवली रैमको सीमेंट्स के सेकंड हाफ के परफॉर्मेंस पे आएगा। इनफैक्ट कंपनी एक बड़ा एक्सपेंशन कर रही है, जो 16 मिलियन टन है वो करीबन FY22 के एंड में ये 20 मिलियन टन होगी। तो वॉल्यूम ग्रोथ का भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो हमको लग रहा है कि अगर 6 to 12 months का नजरिया है तो करीबन 1200 रुपए का टारगेट प्राइस हमको लग रहा है कंफर्टेबली पॉसिबल है। ये इन्वेस्टमेंट पिक है तो मे बी इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। और दूसरी पिक जो हमने पहले भी आपके चैनल पे शेयर की थी, यूनाइटेड फॉस्फोरस, हमको लग रहा है कि स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी करीबन 875-900 का टारगेट प्राइस के लिए इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये दोनों पिक्स मेरे। सी फॉर सीमेंट, भले सी फॉर कैनफिन और सिप्ला के बाद स्टॉक सी से ना हो, सीमेंट लेकिन सी, पीछे सी तो है ही, सीमेंट और सीमेंट सेक्टर भी है। तो आज अविनाश जी को पसंद है रैमको सीमेंट, साथ ही यूपीएल भी यहां पर 875-900 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, ये न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट्स उम्मीद कर रहा था कि कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीज और फंड रेजिंग, ये दो बातें हैं जो मार्केट पहले से एज्यूम कर रहा था कि एक्सपेंशन के लिए इनको जो पैसा लगेगा इसमें थोड़ा बहुत फंड रेजिंग होने वाला है। मेरे ख्याल से होपफुली क्या प्राइस पे फंड रेजिंग होगी वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, प्राइस इंक्रीज तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है, क्योंकि इनका जो प्राइस इंक्रीज का बेनिफिट होगा वो इनको ऑब्वियसली तीसरे तिमाही के एंड में और चौथे तिमाही में रिफ्लेक्ट होगा। ओवरऑल ट्रैक्टर मार्केट, हमको लग रहा है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमको मिल रहे हैं वहाँ पे नंबर्स काफी स्ट्रांग और एनकरेजिंग आ रहे हैं, और होपफुली FY22 भी प्रीवियस ईयर के जैसे काफी स्ट्रांग रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है एस्कॉर्ट्स, कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। और इसमें कोई डाउट नहीं कि आज थोड़ा सा एक्शन में रहेगा स्टॉक, तो कोई माइनर करेक्शन अगर आती है तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, देखिए टेंडर तो बड़ा है, लेकिन जिस प्रकार की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कंपनीज ने अनाउंस की है, हमको लग रहा है कि देखिए अभी तो फिलहाल मार्केट बहुत छोटा है, आगे ग्रोथ डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। इस ऑर्डर को लेके अगर मान लीजिए टीवीएस मोटर और महिंद्रा, ये जो दो दावेदार है, हमको लग रहा है ये शायद ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर बैक करेंगे, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इनको एक अच्छी विजिबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मिलेगी। बट मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो पोजिशन है वो सारे कंपनी से काफी बेहतर है। इन्होंने रेवा जो पैसेंजर कार है उसका भी ये प्रोडक्शन करते हैं। ये कंपनी पहले एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी चलाती थी, उसको इन्होंने टेक ओवर किया। तो मुझे लग रहा है कि M&M सबसे वेल पोजिशनड है, उसके बाद टीवीएस मोटर्स है, और ये ऑर्डर डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सारे स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी का माहौल करेगी। बट अदरवाइज आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में M&M पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आने वाले 12 से 15 महीने में इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा मॉडल रैंप अप ये प्लान कर रहे हैं और मार्केट्स में उतारे। तो मेरे ख्याल से महिंद्रा पे ज्यादा फोकस करिए और उसके बाद टीवीएस मोटर्स। तो ये है आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए SBI लाइफ का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्टिकी है, और सबसे बड़ी बात SBI इनका पेरेंट है, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है और पोस्ट कोविड जो ग्रोथ आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि FY23 एक बहुत बड़ा और इम्प्रूव्ड ईयर होगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि कलेक्शंस इंप्रूव हो चुके हैं, ऑब्वियसली मार्केटिंग बोथ फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एग्रेसिवली कंपनी फॉलो कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। स्टॉक बहुत समय तक 850-900 के रेंज में ट्रेड किया करता था, अभी 1150-1160 है। तो मुझे लग रहा है जिनको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है, इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा थीम है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये जो बिजनेस है इसमें एंट्री लेवल बहुत डिफिकल्ट है, तो वर्चुअली मोनोपोली बिजनेस है, जहाँ पे 6-7 प्लेयर ही पूरा बिजनेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल डेफिनेटली अच्छा है, बट टाइम फ्रेम कम से कम साल 1.5 साल रखना जरूरी है। तो 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है, बट 50% का अपसाइड सीएलएस SBI लाइफ में देख रहा है, तो बड़े टारगेट्स आपके लिए इस समय आते हुए दिखे हैं इस काउंट।